विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन का 98वां सालाना उर्स इस बार सादगीपूर्ण होगा। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट ने सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कार्यक्रम को औपचारिक रूप से करने का निर्णय लिया। इस उर्स पर दरगाह परिसर में जायरीन को प्रवेश नहीं होगा। उल्लेखनीय बात है कि ताजुद्दीन के सालाना उर्स देश भर में श्रद्धालुओं का हजूम उमड़ता है। नागपुर, संपूर्ण विदर्भ, मुंबई सहित मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कश्मीर, बिहार जैसे राज्यों से बड़े पैमाने पर जायरीन नागपुर पहुंचते हैं। इसी संदर्भ में ताजबाग ट्रस्ट व सकरदरा पुलिस स्टेशन की बैठक में पुलिस निरीक्षक SB माने, पुलिस खुफिया विभाग के सुनील सरदार, ताजबाग ट्रस्ट प्रशासक गुणवंत कुबड़े, कार्यकारी सदस्य अमान खान समेत ताजबाग दरगाह के खादिम उपस्थित थे। मैं अब्दुल रज़ाक ताजी, सेक्रेटरी हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया खुद्दाम दरगाह ट्रस्ट, तमाम लोगों से अपील करता हूं कि इस 98वें सालाने उर्स के मौके पर दरबार शरीफ में अगर उनको आने को नहीं मिल रहा है, वो अपने घरों में फातिहा दे और बाबा हजूर के नाम से न्यास करे और अपने घरों में से ही बाबा हजूर की इबादत करे। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स, 98वां सालाना उर्स इस बार कोरोना महामारी के चलते हुए जो प्रशासन के निर्देश अनुसार हम लोग यहाँ पर नियम के दायरे में रहते हुए इस उर्स को मना रहे और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो बाबा जान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए घर बैठे दर्शन हम कराने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना घर बैठे दर्शन कर सके और यहाँ पर ना आए और अपने घर में ही बाबा जान के दर्शन करें और लोगों को यहाँ पर भीड़ ना हो ताकि कोरोना यहाँ पर कोई चीज़ कोरोना के चलते हुए फैले। ये सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए प्रशासन के नियम के अनुसार हम यहाँ पर इस बार सब पूरा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं गुणवंत कुबड़े, प्रशासक हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट। इस साल बाबा का 98वां उर्स है। दरबार इतने अच्छी तरीके से सजा हुआ है, पूरा दरबार का काम हुआ है, हमारी मस्जिद का भी काम हुआ है, मगर दुर्भाग्यवश यह 98वां उर्स हम इतनी खुशी से नहीं मना पा रहे क्योंकि कोरोना की वजह से सब लोगों में अपने अपनी ज़िंदगी की पड़ी है और हमारे दरबार परिसर में आज तक कोरोना की कोई स्थिति उपलब्ध नहीं हुई। ये हमारे लिए खुशी की बात है। अभी 98वें उर्स में ये बात इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि इस दरमियान हम कोई सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लोग ना आए, कोरोना का प्रसार ना होए, इसलिए पुलिस प्रशासन ने उनके करीब 150 पुलिस अधिकारी की बंदोबस्त किया है। हमारे भी कर्मचारी, 150 कर्मचारी हमने लगाए ताकि ये दरबार परिसर में कोई ना आए करके। तो मैं आपकी विनती से आपको विनती करूँगा कि लोगों की चाहत है कि 98वें उर्स में दरबार का उनको दर्शन हो जाए। मैं आपको विनती करूँगा कि आप दरबार का एक फ़ोटो ले या वहाँ की एक बाइट ले ताकि घर बैठे लोग दरबार के दर्शन कर पाए। और यही मैं आपके माध्यम से आपको विनती करता हूँ और लोगों को भी विनती करता हूँ कि आप ये कोरोना का प्रसार रोकने के लिए दरबार परिसर में ना आए। अपना जो कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि दिवसेंदिवस नागपूरला कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे आपल्याकडं शासनाच्या निर्देशानुसार कलम 144 लागू आहे, त्यानुसार कुणी 5 किंवा 5 पेक्षा जास्त कुणी एकत्र व्यक्ती जमू नाही आणि कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आपण पोलीस प्रशासनाच्या माध्यमातून विनंती केलेली आहे ट्रस्टला आणि त्यांनी आपल्या विनंतीला मान देऊन त्यांचे जे कार्यक्रम असतील ते सार्वजनिक सर्व कार्यक्रम त्यांनी रद्द केलेले याबाबत आपल्याला कळवलेलं आहे आणि त्या अनुषंगानं आपण पोलीस बंदोबस्तही लावलेला आहे की जेणेकरून एकत्र लोक जमू नयेत आणि कोरोनासारखा संसर्ग वाढू नये, त्या अनुषंगानं आपण पोलीस बंदोबस्तही लावलेला आहे। त्या अनुषंगाने पोलीस प्रशासन, नागपूर शहर पोलीस प्रशासनाच्या वतीनं सर्व जनतेला भारतातून किंवा विविध भागातून येणाऱ्या ज्या लोकांना असं आवाहन करण्यात येत आहे की या वर्षीचा जो कार्यक्रम आहे उर्सचा तो रद्द करण्यात आलेला आहे, त्यामुळे कुणीही जनतेनं या ठिकाणी गर्दी करू नये, एकत्र जमू नये, त्या आपापल्या घरी हा उर्सचा कार्यक्रम आपण स्वतः साध्या पद्धतीने साजरा करावा आणि प्रशासनास मदत करावी असं आश्वस्त करण्यात येत आहे।
ट्रस्ट के अनुसार बाबा ताजुद्दीन का सालाना उर्स औपचारिक रूप से 11 सितंबर से 18 सितंबर के दरमियान होगा। इस दौरान ताजबाद दरगाह परिसर में जायरीनों को प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। इसी के चलते उर्स के दौरान दरगाह की ओर जाने वाले तमाम मार्ग बंद रखे जाएंगे। ट्रस्ट के प्रशासक गुणवंत कुबड़े ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि कोविड-19 महामारी को रोकने में अपना योगदान देते हुए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें और दरबार परिसर में न आए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।